है कि ये 650 की शर्ट दे रहे हैं ऑमरेन इस सेल की, ठीक है, वैसे ये 1200 की शर्ट मिल रही है। इसमें काफ़ी सारे कलर हैं और इस कपड़े की साड़ी भी बनती है जो डाई एंड डाई की लंबी साड़ी होती है। तो ये ब्लैक में दे दें फिर मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ रावलपिंडी के ऐसे दो मशहूर बाज़ारों में जो रावलपिंडी में काफ़ी पुराने हैं। पहले तो बात करते हैं सदर रावलपिंडी की, उसके साथ ही बात करते हैं लाल कुर्ती बाज़ार की। सदर रावलपिंडी में आज हमने सबसे पहले जो विज़िट किया वो राबी सेंटर सदर का किया, क्योंकि इससे पहले मैं रहमानाबाद के राबी सेंटर को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरे शॉपिंग व्लॉग्स नहीं देखे तो उनका लिंक मैं आई कार्ड में ज़रूर मेंशन कर दूँगी, वहाँ जाकर आप फुल वीडियोज़ देख सकते हैं। सो बेसिकली आज की ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ कितने की मिल रही है। रुकिए रुकिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर मस्त करें। सो बात करते हैं सबसे पहले सदर के राबी सेंटर की, क्योंकि रहमानाबाद का सारा राबी सेंटर मैं एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। प्राइसेस का मुझे आइडिया हो गया कि राबी 2 और राबी 1 और गर्ल्स सेंटर में क्या प्राइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताती चलूँ, जो सदर का राबी सेंटर है वो कोई बहुत बड़ा राबी सेंटर नहीं है। रहमानाबाद वाला राबी सेंटर और गर्ल्फ सेंटर और राबी 2 एक्सट्रीम बड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है, यहाँ इतनी वैरायटी है नहीं। जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपको उस तरह की फील्स नहीं आती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फर्स्ट 2 शॉप से ही आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। जो लॉन का प्रिंटेड सूट आपको रहमानाबाद राबी सेंटर पर 1800 तक का मिल रहा है ना, वो यहाँ पर 2200 से 2500 के दरमियान मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो शॉपकीपर्स बैठे हुए हैं उन सब के अपने अपने रेट हैं, किसी भी शॉपकीपर का एक रेट नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने लोकल शॉपिंग की है उससे मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया है कि जो लॉन के प्रिंटेड सूट हैं उनका जो रेट है वो 1800 और 1500 के बिटवीन है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं है। बता आपको 2000 देते हैं लेकिन आपको 1800 और 1500 के बीच में वो सूट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने हर शॉप से रेट लिया और हर शॉप का डिफरेंट ही रेट था, ठीक है। अभी तो मैं राबी सेंटर सदर में आई क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी लोकल, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आई और यहाँ वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम शॉपकीपर ऐसे हैं जिनके पास कोई अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है, अदरवाइज़ बहुत ही लाइक कपड़ा भी कोई अच्छा नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा कपड़ा जो है ना वो आपको रहमानाबाद राबी सेंटर में मिल सकता है। अगर आप रहमानाबाद के पास रहते हैं, 6th रोड रहते हैं या रावलपिंडी में रहते हैं तो आपको वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, तो मैं यहाँ से मूव कर गई लाल कुर्ती बाज़ार में। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ रावलपिंडी के बहुत ही पुराने बाज़ार में, लाल कुर्ती बाज़ार, ठीक है। लाल कुर्ती बाज़ार जो है वो काफ़ी ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल एरिया है रावलपिंडी का। सो अभी हम लोग लाल कुर्ती बाज़ार में आए हैं और यहाँ पर मुझे लिबास फैब्रिक पे आना था। लिबास फैब्रिक का मैंने बहुत नाम सुना है और काफ़ी नाम सुना है कि यहाँ पर बहुत इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। सो अगर आपको लाल कुर्ती बाज़ार का नहीं पता तो सदर से पर्ट कॉन्टीनेंटल वाली रोड से आप राइट हैंड होंगे तो सीधा मेन रोड आएगी और मेन रोड से आगे आपको एक बोर्ड भी नज़र आएगा लाल कुर्ती बाज़ार का, और इसके साथ ही लेफ़्ट हैंड पे लाल कुर्ती बाज़ार जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम इनकी बात करें इनके कपड़ों की, तो इनके जो कपड़ों की प्राइस है वो जो स्टिच थे 1000 रुपीज़ के लगे हुए थे, लाइक जो आपको मैचिंग सेपरेट अदर मार्केट से 1400 या 1500 के मिल रहे हैं वो यहाँ पर आपको 1000 के मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि जो इनकी स्टार्ट्स की शॉप्स है ना वहाँ पर भी इनके रेट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जो राबी सेंटर सदर है ना उनकी प्राइसेस तो इतनी हाई है कि आप वहाँ पर दाखिल होंगे और वहीं से आप एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि लेने वाला वहाँ कुछ नहीं है, वैरायटी है नहीं और प्राइसेस इतनी ह्यूज हैं कि बंदा कहता है यार बस वहीं पे ही रहने दो। यहाँ पर एक शॉप थी मुझे सामने ही नज़र आ गई, उधर मैंने चिकनकारी की प्राइस पता की तो ये वाली शर्ट वो 1800 रुपीज़ की बता रहे थे।
लेकिन मुझे 1800 रुपीज़ की एक्सपेंसिव लग रही थी, क्योंकि हर शॉपकीपर के पास हर तरह का माल पड़ा हुआ होता है, वो अपने रेट्स खुद ही देते हैं, ठीक है। ये ब्रांड्स तो हैं नहीं, क्योंकि ब्रांड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपनी प्राइसेस को इतना हाई रखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग आएंगे और ले जाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ब्रांड से लेना इतनी कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि 20,000 या 15,000 का जोड़ा मुझे नहीं लगता लेना चाहिए। इस शॉप के बिल्कुल साथ एक शॉप थी, इनके पास ह्यूज वैरायटी पड़ी हुई थी चिकनकारी की, ठीक है। और इनके पास जो चिकनकारी थी वो 1600 रुपीज़ की थी, ठीक है ना। 1600 रुपीज़ इज़ वेरी रीज़नेबल, और कम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं मज़ीद बार्गेन कर दूंगा आपके लिए, मतलब अगर 1600 की कह रहा था तो 1500 या 1400 में वो आपको ईजीली दे देगा। और इसका बर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मुझे ये दुपट्टे बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि ब्रांड्स में मैंने ऐसे दुपट्टे काफ़ी देखे हैं। अगर आप खाड़ी पर या जनरेशन पर जाएं तो वहाँ पर ये इस तरह का खाड़ी नेट का दुपट्टा ना 2500 या 3000 रुपए का मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये 800 रुपए का दुपट्टा दे रहा था, लेकिन ये साथ ये भी कह रहा था कि मैं मज़ीद कम कर दूंगा। तो अगर मज़ीद कम कर दे तो 700 या 600 रुपीज़ में भी आपको ये दुपट्टा मिल सकता है। अगर आपको ऑफ वाइट, वाइट, ब्लैक स्किन कलर के दुपट्टे चाहिए तो आप लाल कुर्ती बाज़ार में इनकी शॉप का विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। सामने इनकी रोड क्रॉस करके बिल्कुल सामने ही जो है वो इनकी शॉप है। तो जैसे मुझे राबी सेंटर सदर में प्लेन सूट्स का लाइक जो ओवरऑल प्रिंट है उनका रेट मिला ऑलमोस्ट 2500, तो यहाँ पर 1500 रुपीज़ मिले, लाइक 1000 रुपये एक सूट के पीछे आपको लेस मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हर तरह की लॉन पड़ी हुई है, मलाई लॉन भी है, प्रिंटेड लॉन भी है, कॉटन लॉन भी है, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे होते हैं शॉपकीपर्स, इनको पता होता है, इंपोर्टेड लॉन है, सिग्नेचर लॉन है, काफ़ी सारी लॉन है। और लाल कुर्ती बाज़ार की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको शॉप के साथ साथ ही डायर भी मिल जाएंगे, लेसिस वाले भी मिल जाएंगे, पीको वाले भी मिल जाएंगे, मतलब एक ही जगह से आप शॉपिंग करें और एक ही जगह से आप अपनी चीज़ें लेकर अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट है, तो कमर्शियल मार्केट में भी आपको, इतनी बड़ी है कमर्शियल मार्केट के, वहाँ पे आपको ब्रांड्स भी मिलेंगे, वहाँ आपको पीको भी मिलेगा, वहाँ आपको डायर भी मिलेगा, वहाँ लोकल भी मिलेगा, मतलब आपको वहाँ पे भी सारी हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं लिबास फैब्रिक, क्योंकि ये लाल कुर्ती की काफ़ी फेमस शॉप है, ठीक है। सबसे पहले इनकी शॉप की मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके पास इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आप लाल कुर्ती को अगर ना भी एक्सप्लोर करें तो आप इनकी शॉप पे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा। इनके पास बहुत वैरायटी है, हर तरह का इनके पास कपड़ा है, लाइक इनके पास स्विस भी है, सिग्नेचर भी है, इम्पोर्टेड भी है, मलाई लॉन भी है, कॉटन भी है, हर तरह का इनके पास फैब्रिक पड़ा हुआ है। और इनके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक इनके पास प्रिंट भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ये जो लॉन के सूट दे रहे हैं ये भी 1500 से 1800 के बीच में ही दे रहे हैं। ओवरऑल प्रिंट्स जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो उस तरह से दे रहे हैं ये 1500 रुपये के, ठीक है। अगर आप लाल कुर्ती आए हैं और आपने कभी लाबास फैब्रिक को एक्सप्लोर नहीं किया तो आप इनकी शॉप पे ज़रूर ज़रूर विज़िट करिएगा, इनके पास बहुत अच्छा कपड़ा है। और विद इन अ वीक इनके पास बहुत ह्यूज वैरायटी आने वाली है विंटर स्टॉक की भी ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर ना डोरिया लॉन काफ़ी अच्छी लगी। डोरिया लॉन की ख़ास बात ये होती है कि ये थोड़ा सा गफ हुआ हुआ कपड़ा होता है और इसमें लाइनिंग होती है, तो वो बड़ा ही प्यारा लगता है पहना हुआ ना, डोरिया लॉन का कपड़ा होता है, डिफरेंट सी लुक आती है। तो अगर आपको भी डोरिया लॉन पसंद है तो आप इनकी शॉप का विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर इनके पास फैंसी लॉन भी है, ठीक है। ये फैंसी लॉन है, इसके अंदर हल्की सी तारकशी सिल्वर कलर की फिरी हुई है, तो ये बड़ी प्यारी लगती है किसी भी ओकेजन के लिए, लाइक ईद हो गया, कोई फेस्टिविटी होती है उसके ऊपर ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये 3 पीस दे रहे थे 2200 रुपीज़ का, ठीक है। 2200 रुपीज़ में आपको लॉन का 3 पीस मिल रहा है। अब बात करते हैं अगर हम राबी सेंटर सदर की, तो डू यू बिलीव कि वहाँ पर जो 3 पीस सूट है ना वो 3500 से उनकी लेस प्राइस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 3500 से लेके 4000 के बिटवीन वो आपको 3 पीस सूट दे रहे हैं। और कैन यू बिलीव कि यहाँ पे आपको 2200 रुपये में 3 पीस सूट मिल रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत डिफरेंस लगा है और बहुत कम प्राइस लगी है, लाइक 3 पीस 2200 इट्स अ वेरी गुड प्राइस, ठीक है। और ये मुझे स्विस लॉन दिखा रहे थे,
अगर आप लोगों में से कोई स्विस लॉन पहनता है, आपको स्विस लॉन पसंद है, तो आप इनकी शॉप का भी विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल इनके कपड़ों की जो प्राइसेस है ना, वो बहुत रीज़नेबल है। लाइक मुझे इस शॉप को मैं जितना एक्सप्लोर करूँ, लाइक पूरा दिन एक्सप्लोर करती रहूँ, तो शायद तब भी मैं एक्सप्लोर ना कर सकूँ। इनके पास इतनी वैरायटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये ऑरेंज फ्लोरल प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस तरह के यूजुअली जो प्रिंट्स होते हैं ना, वो एथनिक के होते हैं और बारोक के भी होते हैं और एथनिक के भी होते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। सो मैंने अपने लिए ये वाला लिया है। इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियो आने वाली है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की डिज़ाइनिंग आएगी बहुत रीज़नेबल प्राइस में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको चिकनकारी की भी वैरायटी के बारे में बताती चलूँ। इनके पास चिकनकारी की भी बहुत ह्यूज वैरायटी है, ठीक है। मैंने राबी सेंटर रहमानाबाद सदर के राबी सेंटर में प्राइसेस का कंपैरिजन किया है, रहमानाबाद फिर भी क्वाइट रीज़नेबल है, ठीक है। अगर आप लाल कुर्ती की बात करते हैं तो लिबास फैब्रिक पर और अदर देन जो शॉप्स हैं वहाँ पर आपको 1500 और 1400 रुपीज़ में चिकनकारी की बहुत ह्यूज वैरायटी मिलेगी, ठीक है। आपको किसी भी डिज़ाइन की चिकनकारी चाहिए ना, वो आपको यहाँ पे 1500 रुपये की कमीज़ मिलेगी, और यहाँ पर जो प्लेन ट्राउज़र है ना, वो 750-650 रुपये का यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आपका 2200 रुपये में चिकनकारी का सूट जो है ना, वो आप ख़रीद के उसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर आप राबी सेंटर की बात करते जो सदर में, उस वो तो इतना एक्सपेंसिव है कि वो तो बस मुझे लगता है कि मैं अब वहाँ पर दोबारा शायद ना जाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब अगर आप सिल्क की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ओम्ब्रे डिज़ाइन में टू टोन में सिल्क थी, जो राबी सेंटर सदर में 1200 रुपये की कमीज़ थी, ठीक है। वो इससे कम कर भी नहीं रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि ये प्राइस फिक्स है। अब अगर हम इसी शर्ट की बात करें तो जब मैं लिबास फैब्रिक पर गई तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि आपके व्यूअर्स के लिए ये शर्ट हम 650 में दे देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा भी हुआ तो वो आपको 600 रुपीज़ में ये शर्ट दे देंगे। यहाँ मैं इस शर्ट की क्वालिटी बताती चलूँ कि इस शर्ट की आप लॉन्ग शर्ट बनवा के बड़ा खूबसूरत सा इसको स्टाइलाइज कर सकते हैं। अगर आपको सिल्क की साड़ी पहनना पसंद है ना, तो टू टोन में अगर आप इसकी साड़ी बनवाएं ना, तो वो भी बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। 600 रुपये की आपको यहाँ से कमीज मिल जाएगी। चाइना मार्केट से भी मैंने इस शर्ट का रेट लिया था, एक शॉप से वहाँ से भी 1200 का बताया था मुझे, और सदर रावलपिंडी में भी इन्होंने 1200 ही प्राइस बताई है। यहाँ पर जो ये प्राइस बता रहे हैं, ये 600 रुपीज़ बता रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। और ये जो ग्रीन के साथ थ्री कलर मर्ज हुए हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत ही खूबसूरत तरीन ये शर्ट लग रही थी। अगर आपको सिल्क अच्छी लगती है और प्रिंटेड सिल्क भी लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर बाय कर सकते हैं, बहुत रीज़नेबल है। प्रिंटेड शर्ट की भी जो प्राइस थी वो 600 रुपीज़ ही थी। See you in my next vlog with another exciting video, जो कि dress designing की बड़ी मज़ेदार सी video होने वाली है। So don't forget to subscribe, like, share and comment. I'll see you in my next video. Stay tuned and keep watching. Allah Hafiz.